बहुत जिद्दी हो, बहुत जिद्दी हो, सब बदल देते हो। शुरू शुरू में मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती थी, तुमने मेरी पसंद ही बदल दी। तो मैंने तुमसे प्यार करना बंद कर ही दिया था कि तुमने मेरा फैसला बदल दिया। तुम मुझे नहीं मिली ना, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। आई लव यू प्राची, आई लव यू टू रणबीर। बहुत जिद्दी हो, घर आओ, घर आओ भी, मैं सब बदल दूंगी, सिखा दूंगी तुम्हें कि प्यार क्या होता है। हमेशा तुम जताते थे ना अपना प्यार, मैं तुम्हें बताऊंगी मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। सब कुछ करूंगी, दिन में 100 बार माफी मांगूंगी, सॉरी बोलूंगी, 1000 बार आई लव यू बोलूंगी, परेशान कर दूंगी आई लव यू बोल बोल के। फिर तुम खुद बोलोगे, सिर्फ तुम ही नहीं मैं भी तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, पागल हूँ तुम्हारी तरफ। बस घर आओ, घर आओ, सुन रहे हो, कब हो तेरे पीछे खरा जाए जहाँ जाएगा तू। दीदा ये लो। हाय रब्बा, ये क्या नाश्ता ले आई है? चाय के साथ कोई फ्रूट्स देता है क्या? सच में दीदा, आप भी ना इस उम्र पे घोड़े पे ही सवार रहते हो। मैंने कब कहा दोनों आपके लिए, चाय मेरे लिए और फ्रूट्स आपके लिए। मुझे फ्रूट्स नहीं चाहिए, मुझे चाय चाहिए, वो भी मट्टी के साथ। ना आपको चाय मिलेगी ना आपको मट्टी, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तू ज्यादा डॉक्टर मत बन, बचपन से चाय पी रही हूँ, अब तेरे कहने से छोड़ दूंगी क्या? दिन की शुरुआत ही मेरी चाय से होती है, अगर चाय ना मिले ना सुबह सुबह तो लगता ही नहीं कि सुबह हुई। अरे दीदा ये गलत बात है, मेरी चाय है। थी, अब ये मेरी है। ये किस बात की सजा दे रहे हो आप मुझे? अपनी सोच मुझ पर थोपने के लिए, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम्हारी जनरेशन ये सोचती नहीं है, वो तो सोचती है कि हमने सामने वाले को समझा दिया, बोल दिया, उसे समझ जाना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि हर इंसान को अपनी सोच के हिसाब से सही और गलत क्या है वो सोचना चाहिए, ना कि सामने वाले की सोच के हिसाब से। दीदा आपकी आधी बात तो समझ आ गई, पर आप ना आधी समझा दो तो ना पूरी बात मेरे पल्ले पड़ेगी। तुम्हारी जनरेशन इमोशंस के बारे में सोचती नहीं है, समझती नहीं उस बारे में। इमोशन में रहना और इमोशन में बह जाना दोनों अलग होता है। अगर इमोशन में इंसान बह गया ना तो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता, और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना अगर, तो कोई भी काम ठीक नहीं होता। दीदा ये ना पूरे मेरे दिमाग के ऊपर से निकल गई है बात। ठीक है, मैं तुझे अच्छी तरह से समझाती हूँ। ये जो फ्रूट्स है ना, एक बार तेरे कहने से मैं खा भी, लेकिन मैं खुशी से नहीं, इमोशनल होके खाऊंगी। बेशक ये फ्रूट्स मेरी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें मुझे खुशी मिले ये जरूरी नहीं। और इंसान का इमोशंस में लिए हुए फैसले हमेशा सही नहीं होते, इसलिए इंसान को है ना सही गलत ये सब कुछ हमेशा नहीं सोचना चाहिए, अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए और वही करना चाहिए जो उसका मन कहता है, ना कि कोई और दूसरा कहता है। इसलिए मैं वही करूंगी जो मेरा मन अभी कह रहा है। मुझे अभी फ्रूट्स नहीं खाना है और सिर्फ चाय पीनी है। और हाँ, ये बात मैं अपने तजुर्बे से तुझे कह रही हूँ, समझी? अपने प्यार के बारे में मत बोल, पर उसे सच बता दे कि तू प्रेग्नेंट है। नहीं शान, ये नहीं बता सकती। अगर आज गलती से रणबीर को कुछ हो गया तो पूरी जिंदगी तू अपनी गलती नहीं माफ कर पाएगी। सीधा मैं अभी आई। को सब सच बता दूंगी, ये सोचकर इतना अच्छा लग रहा है ना, तो जब बताऊंगी तो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी पहले जैसी। जब हम एक साथ रहते थे शादी के बाद अकेले, शादी तो बार बार नहीं होती ना, इसीलिए हमें ना एक्सपीरियंस नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा रिश्ता कौन सा मोड़ लेने वाला है, जिंदगी में कौन से उतार चढ़ाव आने वाले हैं, क्या होने वाला है, हमें कुछ नहीं पता होता, हम तैयार नहीं होते, हम प्रिपेयर नहीं होते, इसलिए ना छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं, एक दूसरे से लड़ाइयां करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, रास्ता बदल लेते हैं। रणबीर और मेरा रिश्ता बेस्ट नहीं है, मुझे पता है,
पर हमारा प्यार बेस्ट है, हमारा प्यार सच्चा है। और जब रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं ना, तो प्यार ही वो डोर है जो रिश्तों को बांधे रखती है। रणबीर मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे पता है इतना प्यार मुझसे कभी कोई नहीं कर सकता शाना, लेकिन अब मेरी बारी है, अब मैं उससे प्यार करूंगी, अपना प्यार जताऊंगी। मां बनने का सुख उसी से तो मिला है ना मुझे, तो उसे ये सुख मैं कैसे दूर रखूं? उसे भी पूरा अधिकार इस सुख का, बाप बनने का। तो मैं उसे सब बता दूंगी, उसे बता दूंगी कि अब हमारा एक परिवार बनने वाला है, छोटा सा परिवार जिसमें हम तीन रहेंगे, दो नहीं तीन, हम दोनों और हमारा बच्चा। उसे सब बता दूंगी, वो खुशी के मारे पागल हो जाएगा शाना। अभी मैं पागल हो रही खुशी के मारे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं रणबीर के लिए मेरा प्यार बढ़ता जा रहा है शाना। मंगलसूत्र के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा था ना, वो अब दोबारा कहूंगी, लेकिन इस बार रणबीर के सामने उसकी आंखों में आंखें डाल के, उसका हाथ ऐसे पकड़ के, ताकि उन्हीं हाथों से वो मुझे मंगलसूत्र दोबारा पहना सके। बोल दूंगी उससे कि कहाँ जाना है बताओ, चलूंगी मैं तुम्हारे साथ, जहां ले जाना हो ले जाओ, मैं भागने को भी तैयार हूँ उसके साथ। पहले तुम दोनों ने भाग के शादी की और अब शादी करके भाग रहे हो। मैं गई उसके रूम में लाइक अ गुड गर्ल। मैं गुड गर्ल ही तो हूँ ना मुझे। तो मैं गई उसके रूम में और आपको पता है मैंने वहाँ क्या देखा? वहाँ प्राची पहले से ही खुश थी, बहुत खुश थी, खुश थी वो। और शाना को बोल रही थी कि वो रणबीर को सब कुछ बता देगी। रिया क्या बता देगी? वही जो पहले बोल रही थी, अपने प्यार के बारे में, अपने मंगलसूत्र के बारे में। पूछी वो प्राची चाहती है कि रणबीर उसका मंगलसूत्र अपने हाथों से उसको पहनाए। यू बिलीव इट? मुझे कैसे लगे, किसी ने सोचा है? प्राची ने सोचा है? नहीं, कोई कोई सोचता ही नहीं। वो कह रही थी कि रणबीर के लिए उसका प्यार बढ़ता जा रहा है, यू नो इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे। और अगर रणबीर ने उसे ऑप्शन दे दिया कि ये घर छोड़ के सबसे दूर चले जाए और प्राची भी साथ जाना चाहती है, तो प्राची मान जाएगी, मान जाएगी प्राची और चली जाएगी उसके साथ बूची। और मैं बेसिकली बूची, वो दोनों भागने की बात कर रहे थे, साथ में भागने की बात कर रहे थे। कैन यू बिलीव इट? अब आप ही बताओ, आप ही बताओ, जब प्राची सामने से ये सब रणबीर को कहेगी तो रणबीर क्या कहेगा? वो पता थोड़ी कहेगा, वो तो ये सब चाहता ही था, चाहता था कि नहीं चाहता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन दोनों के बीच में जब इतनी दूरी थी तो रणबीर प्राची को बचाने के लिए अचानक तैयार क्यों हो जाता है? जान भी देने के लिए तैयार हो जाता है। और मैं Nothing. मुझे प्राची बोल देगी रणबीर को कि वो उससे प्यार करती है, उसके साथ रहना चाहती है। वो मुझे अपनी लाइफ से निकाल देगा पूछी, उस प्राची को अपना लेगा, उससे गले लगा के अपना लाइफ पार्टनर बना लेगा। तो मैं क्या करूंगी बूची? कोई नहीं है ना, ना मॉम है ना डैड है, बस एक आप ही है। और रणबीर से बहुत प्यार करती हूँ बूची, मुझे अपनी लाइफ से निकाल देगा तू, मैं क्या करूंगी बूची? बूची आप मेरे साथ है राइट? हाँ, आप मेरे साथ है और स्टुपिड शाना राजी के साथ है, फिर भी वो जीतते। इसका मतलब तो यही हुआ ना बूची कि आपका कोई फायदा नहीं है। राजी को कुछ हो गया है, मुझे उससे मिलने जाना है, there's something not right. उसको मेरी जरूरत है, प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। प्राची बिल्कुल ठीक है, वो घर गई हुई है और वापस आकर आपसे मिलेगी, लेकिन प्लीज आप तब तक आराम कीजिए। आपको कैसे पता वो ठीक है, आप बताइए। मैंने कहा ना शी इज फाइन, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि शी इज नॉट ओके। देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको टाइम पर डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, प्लीज आप आराम कीजिए। देखिए सर, समथिंग इज नॉट राइट, आई कैन फील इट, ट्रस्ट मी, मुझे जाने दीजिए सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ।
मैं आपकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो आकर आपको ले जाएंगे, लेकिन तब तक आप आराम कीजिए प्लीज। रिलैक्स सर, फ्रांसी को मेरी जरूरत है, शी नीड्स मी राइट नाउ, मेरा वहाँ पे जाना बहुत जरूरी है, मेरा आई रियली हैव टू गो एंड मीट हर। पेशेंट के साथ ही रहना, एक मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना। ओके सर, मैं आता हूँ। Finally, दोनों हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना। प्राची! वैसे एक तरीके से तो अच्छा ही है कि मैंने उसे नहीं मारा, क्योंकि अगर मैं उसे मार देती तो कभी ना कभी मेरा नाम सामने आ जाता। उसकी सेवियर बनकर भी मैं उसकी इलीगल सौतनी हूं, जो उसे इलीगल तरीके से मारना चाहती थी, लाइफ से हटाना चाहती थी। पर भगवान भी ना कमाल है, यकृत आपने तो सब कुछ लीगली कर दिया, किसी और से एक्सीडेंट करवा के मुझे बचा लिया। दैट मीन्स लक इज ऑन माई साइड, लक इज सपोर्टिंग मी। पर मैंने प्राची को एडमिट किया है, ये बात मुझे किसी को नहीं बतानी है, क्योंकि अगर मैंने बता दी तो सब उसके आगे पीछे घूमते रहेंगे। रणबीर तो उसका हाथ ही पकड़ लेगा, तो जब तक वो नहीं मर जाती मुझे ये बात सबसे छुपानी होगी। मुझे झूठ बोलना पड़ेगा कि मैंने तो प्राची को बोल दिया था कि रणबीर उसे मिलना चाहता है। आई वॉज ऑनेस्ट, I'm a good girl. Honesty से मैंने उसे सब कुछ बताया ताकि जब तक वो नहीं मर जाती उसे कोई ना मिले। हाँ, लेकिन उसके मरने के बाद अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैं कॉन्फिडेंटली सफाई के साथ बोल दूंगी कि आफ्टर ऑल फैमिली में सब परेशान थे, एक टेंशन पहले से ही तो थी। मैं और परेशान नहीं करना चाहती थी किसी को, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ये बात छुपाई। और मुझे पूरा यकीन था कि प्राची भी बच जाएगी। मैं वेट कर रही थी कि कब वो ठीक होगी और मैं ये बात सबको बता दूं। Yeah, that sounds like a plan. ये रणबीर इज हर्ट, उसका ऑपरेशन हुआ है, अभी तक ये पूरी तरह से होश में भी नहीं आया है। सो हाउ कैन यू थिंक कि वो जो भी बोल रहा है सही कह रहा है? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो जो भी बोले आप हमको उससे मिलने से नहीं रोक सकती। एंड सी दिस लेडी, दैट्स हिज मॉम, और आप एक माँ को अपने बेटे से मिलने से नहीं रोक सकती।
प्राची के लिए, उसके मंगलसूत्र को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी मेरे रणबीर ने। मतलब ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो उसे। जिस चीज के लिए रणबीर ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की, वो चीज वो तुम्हें ऐसे नहीं दे देगा। छोड़ दो। प्राची, नहीं आई। प्राची नहीं आई, लेकिन लेकिन हम सब आए हैं। उसे तेरी फिक्र नहीं है, लेकिन जिसे तेरी फिक्र है, हम सब यहाँ हैं। हम आए तुझसे मिलने। हम सब कब से बाहर वेट कर रहे थे तेरा। हमें लगा कि प्राची आएगी तो उसके साथ हम सब अंदर आएंगे तुझसे मिलने, क्योंकि तू सबसे पहले उससे मिलना चाहता था। वो शायद आना ही नहीं चाहती, इतने ही मिलना चाहती है तुमसे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्राची आएगी, थोड़ी देर में आएगी, पर प्राची मुझसे मिलने आएगी। रिया गई थी कल प्राची को बुलाने, तेरा मैसेज देने कि तू सबसे पहले प्राची से मिलना चाहता है, लेकिन लेकिन देख, रिया तो आ गई लेकिन प्राची अब तक नहीं है। वो क्यों नहीं आई रणबीर? क्योंकि वो तुझसे नहीं मिलना चाहती। नहीं मॉम, प्राची मुझसे मिलने आएगी। आई एम श्योर वो भी किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई होगी, इसीलिए नहीं आ पाई होगी। बट आई एम टेलिंग यू, वो आएगी। आप एक बार प्लीज प्लीज फोन कीजिए ना प्राची को। ठीक है प्राची, रिया ने उसकी जान बचा ली ना, सुना तुमने? जस्ट गोज़ टू शो कि रिया कितनी अच्छी लड़की है। मतलब अगर रिया की जगह और कोई भी लड़की होती ना, प्राची की हेल्प नहीं करती, लेकिन रिया इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद उसने प्राची की मदद की। उसे अपनी बहन की कितनी परवाह है। अभी देखा ना तूने, कितना संभाल के ले गई वो प्राची को अपने कमरे में। पेशेंट की केयर करने वाला कोई है कि नहीं यहाँ? बीइंग अ नर्स आपको फुल टाइम मेरी बहन के साथ रहना चाहिए था, और आप तो उसे छोड़कर ही चली गई। डॉक्टर भी नहीं है यहाँ, ऐसे ध्यान रखते अपने पेशेंट का? बोलिए, अब ध्यान रखिए इसका। जी मैं करती। सो मिस्टर रणबीर, अब कैसे हैं आप? तो मैं बहुत अच्छा हूँ, आई थिंक मैं ठीक हो गया। आई एम फाइन। ग्रेट। सो गुड न्यूज ये है कि आपको डिस्चार्ज दिया जाता है, और अब आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। गो होम, घर जाइए, आराम कीजिए, जल्दी रिकवरी हो जाएगी। डॉक्टर, आपने प्राची को कौन सा कमरा दिया हुआ है? मतलब प्राची को जो एडमिट किया है, तो आपने किस रूम में एडमिट किया है, मुझे बस जानना है। वो आगे जाके लेफ्ट थर्ड रूम। ठीक है, थैंक यू। घर जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम जाओ। मैं घर जाके क्या करूंगा? मेरा परिवार तो भी मेरे सामने है, ये मेरा घर। मेरे भी, तुम घर जाओ। को तुम अपना ख्याल रखना। साहब आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं। अब हाँ, वो एक्चुअली रणबीर को हमें कुछ और दिन हॉस्पिटल में रखना होगा। क्यों डॉक्टर, आपने कहा था ना कि हम इसे घर ले जा सकते हैं तो? हाँ मैंने कहा था, लेकिन इनकी लेटेस्ट टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि इन्हें कुछ और दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और कुछ एक और टेस्ट करने हैं, उसके बाद ये जा सकते हैं। स्पेशली इस वक्त पे तो हम
रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। ठीक है तो फिर हम सब भी यहीं पे। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने मना किया है क्योंकि ये बात डॉक्टर साहब ने मुझे बोले कि फैमिली नहीं रुक सकते। हम क्यों नहीं रुक सकते? मैंने भी यही क्वेश्चन पूछा इनसे, क्यों नहीं रुक सकते। इन्होंने मुझे बताया कि जो पेशेंट्स होते हैं ना, जब उनके सामने उनके परिवार वाले होते हैं तो वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और वो इमोशन से क्या होता है, वो टेस्ट जो है वो मैनिपुलेट हो जाता है ऊपर नीचे, तो वो नहीं चाहते कि टेस्ट खराब हो। जी डॉक्टर साहब ऐसे ही है ना? He's right, yeah. और ये भी बोला डॉक्टर ने कि जो पेशेंट क्रिटिकल होते हैं उनकी फैमिली को यहाँ रहना बहुत जरूरी है, और जो क्रिटिकल नहीं है, जो नॉर्मल है मेरे जैसे, उसकी फैमिली अगर यहाँ रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहिए, है ना डॉक्टर? यही बोला था ना? यस, आप लोग घर जाइए, मैं भी अपने केबिन में जा रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। हॉस्पिटल है, अपने कमरे में ही रहना, यहाँ वहाँ घूमने की जरूरत नहीं है। कहाँ जाऊंगा? हम कल आएंगे तुमसे मिलने के लिए। तुझे कुछ मंगवाना है तो बोल दे, हम कल लेते हुए आएंगे। नहीं कुछ नहीं, आप आराम से रिलैक्स। मैं जरा अपने रूम में जाता हूँ, बहुत थक गया हूँ ना। बाय बाय। आई थिंक हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम थोड़ी देर भी यहाँ और रुक गए ना तो तुम लोग इस हॉस्पिटल को घर बना दोगे। हम कल फिर आएंगे, अपना ख्याल रखना, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। श्रेया, मुझे बहन बुलाने से पहले ये याद रखना कि अब भी रणबीर हमारे बीच में है। हेलो मैम, मेरा नाम रणबीर कोहली है, मैं इसी हॉस्पिटल में एडमिटेड हूँ, और मेरी जो वाइफ है प्राची कोहली, वो भी अभी एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पे एडमिटेड है रूम नंबर 5 में। मैं रूम में गया था और मैंने देखा रूम नंबर 5 और 6 के बीच में ना एक कनेक्टिंग डोर है, तो क्या आप मुझे रूम नंबर 6 में शिफ्ट कर सकते हैं, मैं अपनी दीदी के पास रह पाऊँ। आई एम सो सॉरी मिस्टर कोहली, ये हॉस्पिटल है, होटल नहीं है, जहाँ मैं आपको आपकी पसंद की रूम दे सकूँ। और रूम नंबर 5 और 6 के बीच की डोर डॉक्टर के एक्सेस के लिए बनी है, पेशेंट्स के लिए नहीं है। आई एम सो सॉरी मिस्टर कोहली, मैं आपको रूम नंबर 6 में शिफ्ट नहीं कर सकती, जस्ट बिकॉज आपकी वाइफ रूम नंबर 5 में है। आई एम सो सॉरी। शायद मैंने आपको ठीक से बताया नहीं, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ कि मेरी सिचुएशन क्या है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहती हो तुम? वही जो हमेशा मेरे दिल में था। लेकिन प्राची, मेरे कुछ बोलने से पहले ना तुम अपना दिमाग क्लियर कर दो, ताकि हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, हमारे बीच में दो सगी बहनों का रिश्ता ना रहे। रिश्ता तो है रिया, और आज उस रिश्ते को हम दोनों ने देखा है जब तुमने मेरी जान बचाई है। प्राची हो प्राची, यू सो नाइव। वो एक बहन का दूसरी बहन के लिए फर्ज नहीं था, प्यार नहीं था, वो तो बस एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए बेसिक इंस्टिंक्ट थी। सो प्लीज प्लीज इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि वो मेरा प्यार था तुम्हारे लिए। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव हर अ लॉट, और अगर मैं उससे दूर जाता हूँ ना तो मेरे जो दिल की धड़कनें हैं वो कमजोर पड़ जाती है, तो मेरा दिमाग ना खराब होने लगता है, मैं पागल हो जाता हूँ। देखिए कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि आपके इतने अच्छे हॉस्पिटल में मेरी चोट का इलाज हो रहा है लेकिन मेरी मेंटल हेल्थ का इलाज नहीं हो रहा है। प्लीज मुझे पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है ना, तो फिर वो यहाँ वहाँ क्यों घूम रहा है? एक्चुअली वो लैब जा रहा है। वो लैब क्यों जा रहा है? वो तो ओपीडी पेशेंट नहीं है, इज एडमिटेड हियर। तो हम कभी कभी क्या होता है कि हम पेशेंट को डायरेक्ट लैब में भेज देते हैं। क्या बात है डॉक्टर, देखिए प्लीज आप मुझसे कुछ मत छुपाइए, मैं माँ हूँ उसकी। आई एम सॉरी लेकिन आपका और रणबीर का बिहेवियर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। डॉक्टर यू हैव टू टेल मी प्लीज, आपने क्यों रोक के रखा है उसे यहाँ पे? ओके मैं आपको बताता हूँ, लेकिन प्लीज आप किसी से कहिएगा नहीं, क्योंकि रणबीर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि ये सीक्रेट हम दोनों के बीच ही रहे। कैसा सीक्रेट? रणबीर चाहता था कि उसे प्राची के साथ वाले रूम में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वो उसके आसपास रह सके। व्हाट? कम ऑन मिसेस कोहली, वो यंग है एंड ही इज टोटली इन लव विद प्राची। तुझे क्या चाहिए? बहन का प्यार? मैं हूँ ना, मैं कहाँ चली गई? तुझे जितना प्यार चाहिए ना मैं उतना प्यार दूंगी, तुझे सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करूंगी,
प्लीज ऐसे रो मत, पता है मुझे क्या बोल रही है, और तू मुझे छोड़ के मत जाया कर ऐसे। मैं गई थी, तूने भेजा था मुझे रणबीर के लिए आम लाने के लिए। अगर तू रणबीर का नाम नहीं लेती ना तो मैं कहीं नहीं जाती। और प्राची तू एक बात सुन ले, रिया की ना मैं सिर्फ 3 गलतियां माफ करूंगी, अगर उसे कोई चौथी गलती की ना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बस उसने तुझे बचाया इसलिए। तूने इसकी बात सुन कैसे भी, हाँ अगर तेरी जगह मैं होती ना उसे इतना बुरा बुरा सुनाती कि उसके कानों से ना खून निकल जाता। सब तेरी गलती है कि रिया की ना रणबीर पे नजर है और तेरी नजरों में तुझे लगता है कि वो तेरी बहन है। नहीं, मैं उसे बहन तभी मानती हूँ जब हम अकेले होते हैं, पर जब रणबीर को देखती हूँ ना मैं शाना, तो रिया मुझे सौतन ही लगती है। जब जब वो रणबीर पे अपनी बुरी नजर डालेगी ना, मुझे अपने सामने पाएगी, मैं ही नजर आऊंगी उसे। बहुत हो गया, अब मैं जब तक जिंदा हूँ ना तब तक रणबीर और मेरे बीच में किसी को नहीं आने दूंगी, किसी को नहीं, किसी को नहीं। क्या अपने बच्चे की हार्टबीट सुनना चाहेंगी? हार्टबीट? आपके अपने बच्चे के दिल की धड़कन। मेरा बच्चा ठीक है, मेरा बच्चा ठीक है। खुशी तुमने मुझे छुपा के रखी, बट थैंक्स मुझे ये खुशी देने के लिए। लोग हमेशा अपनी गुड न्यूज के बारे में सुनते हैं, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से आज गुड न्यूज देखी। मैंने अपने बच्चे की दिल की धड़कन खुद अपने आज कानों से सुनी। तुम पता मुझे क्या लग रहा था? मुझे ऐसा लगा था हमारा जो बच्चा है ना वो मुझे ये बोल रहा है कि पापा मैं आने वाला हूँ, पापा नहीं बाबूजी मैं आने वाला हूँ। हालांकि मुझे सिर्फ धक 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 सुनाई दे रहा था, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे यही कह रहा था। एंड आई एम रियली सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दो, मैंने तुम पे चिल्लाया, तुम्हें डांटा ऐसे, बट मेरा वैलिड रीजन था। ये बात कोई भी बोलेगा कि हाँ मेरा वैलिड रीजन था, और आई एम श्योर तुम्हें भी पता है, इसलिए तुमने कुछ बोला नहीं। थैंक यू प्राची, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा करने के लिए थैंक यू, मुझे बाबूजी बनाने के लिए थैंक यू, इतनी बड़ी खुशी देने के लिए थैंक यू। अब ऐसे शांत मत रहो, मुझे कुछ कुछ बोलो प्लीज। मुझे देखो, झगड़ा करना है कर लेना, पर बाद में कर लेना, अभी बस मुझसे बात करो। देखो मैं ऑलरेडी गुस्सा हूँ, तुम गुस्सा नहीं हो सकती, ऐसे कोई एक ही गुस्सा हो सकता है। तुम्हारे पेट में बच्चा है तो तुम ऐसे इतराओगी क्या? चाची प्लीज मुझसे बात करो ना, तो मैं ऐसे चुप रहती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा लगता। तुम झगड़ लो मुझसे, तुम लड़ लो मुझसे, पर मुझसे बात करो प्लीज। प्राची क्या हुआ? प्राची डॉक्टर क्या हुआ? प्राची उठ नहीं रही है, क्या हुआ उसको? प्लीज देखिए, प्लीज चेक कीजिए। कुछ नहीं हुआ, आपका बच्चा सेफ है। अरे मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी वाइफ की बात कर रहा हूँ, देखिए ना प्लीज। आपकी वाइफ भी ठीक है? अगर ठीक है तो आंखें क्यों नहीं खोल रही है? तो प्लीज चेक कीजिए उसको, प्लीज देखिए ना प्लीज। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। वो कल रात सो नहीं पाई थी, काफी स्ट्रेस था, और सुबह उसका एक्सीडेंट हो गया, तो डॉक्टर ने दवाइयों में स्लीपिंग पिल्स भी प्रिस्क्राइब किया था कि जितना सोएंगी उतना जल्दी ठीक होंगी। तो डोंट वरी, ये स्लीपिंग पिल्स बच्चे के लिए भी सेफ है। पक्का ना?
हाँ थैंक यू। जिंदगी ने की है कैसी साजिश।